सो हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है कि आज गुस्ल मुबारक होगा और हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, किस तरीके से गुस्ल की रस्म अदा की जाती है, कैसे क्या सब कुछ होता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अभी शाम के इस वक्त 6 बज रहे हैं और अभी हम आपको नील शरीफ के किनारे का नजारा दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम रात का मंजर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप किस कदर की भीड़ है, तो वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो चलते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत नजारा आस्ताना मखदूम अशरफ का है और इस वक्त 9 बज रहे हैं, जो कि शहन पर प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी और 2 बजे के आसपास ये प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी। किस तरीके से क्या होगा, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके किस तरीके से क्या होता है। तो आइए, आप वीडियो पे बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा क्योड़ा यहाँ पर रखा हुआ है और जानते हैं इसके बारे में क्या, इसका कैसे इस्तेमाल होगा, सब कुछ जानेंगे महबूब आलम से। तो महबूब आलम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस क्योड़े से कब गुस्ल दिया जाएगा, कैसे क्या होगा, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि ये बताया जा रहा है, मतलब ये क्योड़ा जो मखदूम अशरफ इंतजामिया कमेटी में जमा हुआ है जी, ये केवड़ा अभी मटके में रखकर हुजूर साहिब सज्जादा सैयद शाह मोहिद्दीन अशरफ जी वो आस्थाने आलिया पे जाएंगे सब मटके के साथ, और जो भी खानदान के लोग होंगे, खानवादे सफिया के लोग होंगे, वो आस्थाने आलिया पे वो लोग भी जाएंगे। वहाँ पर आस्थाने मजारे गुस्ले मुबारक होगा। फिर उसी के कुछ देर बाद जारिनों के हक के लिए, आने वाले तमाम जारिनों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, उसके लिए, उसके हक के लिए आस्थाने आलिया पे दुआ किया जाएगा। और खुसूसी और कल बाद नमाज जुमा हुजूर साहिब सज्जादा सैयद शाह मोहिद्दीन अशरफ संदर्भ कुर्सी की रस्म अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो ये रहा, आप देख सकते हैं केवड़ा जो जिससे गुस्ल दिया जाएगा, और ये वही घड़ा है जिसमें वो केवड़ा रखा जाएगा। 51 घड़े महबूब आलम भाई ने बताया कि रस्म होती है कि 51 घड़े में पानी को रखा जाता है केवड़े को, उसके बाद सज्जादा नशीन सैयद मोहिद्दीन अशरफ के साथ ये जाता है, उसके बाद गुस्ल मुबारक दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 51 घड़े रखे हुए हैं, इसमें केवड़े को डाला जाएगा, फिर लोग लेके जाएंगे अपने सरों के ऊपर। आप देख सकते हैं इस तरीके का मजमा यहाँ पर झूम उठा है, लोग अपने सरों पर लेके चल रहे हैं आस्थाने मखदूम अशरफ पे। आप देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गुस्ल की रस्म इस तरीके से अदा की जाती है और इस तरीके से लोग अपने सर पे मटका लेके चलते हैं, गुस्ल का पानी लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं आस्थाने मखदूम अशरफ पर गुस्ल की रस्म अदा की जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से गुस्ल की रस्म अदा की जाती है, लोग अपने सरों पे मटके को लेके जाते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए हम बाबू इसीलिए खड़े बाबू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से गुस्ल की रस्म अदा की जाती है और इस तरीके से लोग अपने सरों पर मटके को लेके जाते हैं आस्थाने मखदूम अशरफ पर। और अभी इस वक्त बज रहे हैं 2 और आप देख सकते हैं आस्थाने मखदूम अशरफ का नजारा, अभी आपको दिखाते हैं अंदर से। जिम्मेदार किसी का कोई नहीं रहेगा। यहाँ
ये आप देख सकते हैं इस तरीके से गुस्ल की रस्म अदा की जाती है यहाँ पर। इधर भी घूम आ रहा चलो बाबू हटा हीरा हटो तो थोड़ा भाई तो इस वक्त मैं आस्थाना मक्कू मशरफ पे हूँ। आप देख सकते हैं गुस्ल की रस्म अदा हो रही है और हमारे साथ हमजाद भाई भी हैं और मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से क्या हो रहा है और सब कुछ हम जानते हैं महबूब आलम से, जो कि अभी हमें महबूब आलम भाई सब कुछ बताएंगे। तो हम सब कुछ जानते हैं महबूब आलम भाई से। आलम भाई आप बताइए ये मुजाविर हजरात क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि यहाँ गुस्ल की रस्म अभी कुछ देर में अभी होने वाली है, जैसा कि यहाँ जितने भी आस्थाने के मुजाविर हजरात हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अभी कुछ देर में साहिब सज्जादा सैयद शाह मुहिद्दीन अशरफ असफुल जीरानी जो कि अभी यहाँ मौजूद होंगे अभी उन लोगों के साथ। और मैं ये देख आप देख सकते हैं मुजाविर हजरात लोग काम कर रहे हैं अभी कुछ ही लम्हों में अभी गुस्ल की तैयारियां मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और हजरत आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एकदम गुस्ल की आखिरी रस्मत जो होती है वो रखी हुई है और यहाँ पे मुजाविरान आस्थाने आलिया मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जी जी, गुस्ल के वक्त मुजाविर आस्थाने आलिया और ख़ानदान के लोग होते हैं जी, जो अभी कुछ देर के बाद मखदूम अशरफ की मज़ार है जी, इसका गुस्ल होगा और नीचे प्रोग्राम चल रहा है। ये गुलाब का टुकड़ा छोटा छोटा काटा जाता है जी। ये छोटा गुलाब का टुकड़ा किस लिए काटा जाता है? ताकि ये जायरीनों में तबर्रुक के तौर पे बांटा जा सके जी जी, आपका जिसके लिए लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप घड़ी में देख सकते हैं ये हजरत मैं जानना चाहूँगा इसमें ये नीर शरीफ का पानी या इसमें सिर्फ और सिर्फ
केवड़ा और गुलाब जल होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ केवड़ा और गुलाब जल होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर 51 घड़ा है रस्मों के। और जैसा कि मुजाविर हजरत बता रहे हैं यहाँ पर 51 घड़े जो कि रस्म के तरीके से यहाँ पर रखे जाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से 51 घड़े यहाँ पर रखे गए हैं और अभी चंद लम्हों में ही यहाँ पे गुस्ल मुबारक दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं मुजाविर हजरत और सब आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस वक्त आस्थाने मखदूम अशरफ के अंदर हैं और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मुजाविर हजरात लोग काम को अंजाम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं ये 51 घड़े रखे हुए हैं, अभी चंद ही लम्हों में गुस्ल दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जितने भी लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं वो हजरत मुजाविर हजरात लोग हैं। और तमाम मुजाविर लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग मुजाविर हैं, और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं उनके लिए कोई उसकी गम की बात नहीं है। और यहाँ पर जो मुजाविर हजरात हैं जो कि इमरान भाई हैं, आप उनके लिए दुआ कर दीजिए, जो लोग नहीं आ सकते हैं आप उनके लिए दुआ कर दीजिए। तमाम परेशानियों को दूर करके वक्तों में सब लोग जहाँ भी है वक्तों में सब लोग ट्रीटमेंट के माध्यम से इस ज्यारत कर रहा है। कुछ के मौके पर आपने देखा कि कुछ तमाम हरकान पूरे हो चुके हैं, कुछ देर में कुछ होगा वक्तों में सब आपका आप अल्लाह के वाले आप सब कुछ जानते हैं। आपके सब जो भी लोग परेशान है चाहे कोरोना में भूत प्रेत में बस बीमारी में मुबला है सबके लिए शिफा अदा करें, घर में खुशहाली अदा करें, रोजी रोजगार में खैर और बरकत अदा करें, तरक्की अदा करें, जहाँ रहे आपकी चादर का साया रहे, आए सुने जमाना जमाने में विद्यमान रहाय लेकर दरिया दरिया बसारण दुश्मन हमेशा पुरगम बाजरे दोस्तारण में आप अपने जिन जिन लोगों ने दुआ की दरखास्त की है सब सब दुआएं कबूल फरमाए, हर वो परेशानियों से दूर फरमाए, तमाम मुश्किलात को आसान कर रहे हैं, सबके समाना जमाने मनोकुमा तरहाय वस्त्रा आसिजे गर्म कुशा सब नाम दरिया दरिया मसीदार दुश्मन हमेशा पुरगम बाजरे दोस्तारण आमीन शुम्मा आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हजरत कि आपने लोगों के लिए दुआ की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगाने के लिए कोई चढ़ाई होगी Hello.
चाबी चाबी किसके पास है? कमी कर लिया यार, क्या बंद कर, चल भाग चल। हमारे जो बेरोजगार